ये हम जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। जोधपुर पहुंचने के लिए आपको बम्बई से भी ट्रेन है, दिल्ली से भी ट्रेन है और जयपुर से रोज ट्रेन नंबर 22977 जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस सुबह 6 बजे जयपुर से चलती है, 11:30 बजे जोधपुर पहुंचा देती है। इसका किराया भी हम आपको बता देते हैं। सेकंड सिटिंग का है 145 रुपये, चेयर कार का 515 रुपये, थ्री एसी का 620 रुपये, सेकंड एसी का 860 रुपये और 1400। अब हम रेस्टोरेंट अपना लंच करने के लिए आ गए हैं। लंच में हमारी दाल, मिस्सी रोटी, अमूल बटर और साथ में सलाद में प्याज और नींबू। आज हमारा लंच यही है। लंच करने के पश्चात हम जोधपुर में उम्मेद पैलेस की ओर जा रहे हैं। उम्मेद पैलेस जो कि मशहूर भारत के राजस्थान के जोधपुर में स्थित दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। महल का एक हिस्सा ताज होटल द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसका नाम वर्तमान मालिक गज सिंह के दादा महाराज उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। जोधपुर ज़िले में स्थित एक महल है। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी भवनों में से एक है। यह ताज होटल का ही अंग है। महाराजा उम्मेद सिंह के पौत्र ने दिया था, जो वर्तमान में मालिक है। अभी यहाँ पैलेस में 347 कमरे हैं। इस उम्मेद भवन को चिल्लर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बनकर तैयार हुआ था उम्मेद भवन। उम्मेद पैलेस, उम्मेद भवन जो कि 20वीं सदी के सबसे भव्य राजपूत महलों में एक, मारवाड़ राठौर राजवंश के महाराजा उम्मेद सिंह ने अपने अकाल से पीड़ित लोगों को रोजगार देने के लिए उदारतापूर्वक इस महल का निर्माण कराया था। 1943 में जब यह खुला तो इसे दुनिया के सबसे बड़े शाही आवासों में से एक माना गया है। इसके आधे हिस्से में ताज ग्रुप का 5-स्टार होटल्स है और आधे हिस्से में संग्रहालय बना दिया है, जो कि जिसमें शस्त्र, जीवन से उपयोगी चीज़ों को प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। यह आप देख रहे हैं संग्रहालय के कुछ, ये सब सीनरी प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। चित्रकारी वगैरह से पुराने टाइम पे पेंटिंग्स वगैरह प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। अब हमको आपको उस गैलरी में ले चलते हैं जहाँ पे एक से एक अलग अलग तरह की घड़ियों संग्रहालय में सजाया हुआ है। आप देख रहे हैं तरह तरह की घड़ियाँ जो कि प्रदर्शन के लिए रखी हुई है। यह है उम्मेद पैलेस का संग्रहालय, घड़ी संग्रहालय। आप देख रहे हैं तरह तरह की समय को अंकित करने के लिए अलग अलग रूप में प्रदर्शित हो रही है घड़ियाँ। कोई देश की है, विदेश की है, सभी तरह की अलग अलग अपने ज़माने की प्रसिद्ध घड़ियाँ। पेरिस की आकृति की, कहीं किसी की आकृति में बनी हुई, निर्मित की हुई
घड़ियों को सजा के सजों के रखा हुआ है उम्मेद पैलेस जोधपुर। यह हम आ गए हैं न्यू गैलरी में। ये भी घड़ी वाली गैलरी है जहाँ पे प्रदर्शन के लिए घड़ियाँ रखी हुई है। उम्मेद पैलेस जोधपुर से हम आपको अवगत करा रहे हैं। उम्मेद पैलेस आप देख रहे हैं सुनील के UA ट्रेवल ब्लॉग्स में, हम आपको दिखा रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा है बताइए। इसका प्रवेश टाइम है 10 बजे से 4:30 बजे तक के, और प्रवेश टिकट है 30 रुपये प्रति व्यक्ति का। चिल्ड्रन का है 10 रुपये, फॉरेनर का है 100 रुपये, और प्राइस वगैरह आगे पीछे होते रहते हैं, इंक्रीज होते रहता है। रेलवे स्टेशन से उम्मेद भवन की दूरी मात्र 2.4 किलोमीटर की है, तो आप साधन से पहुंच सकते हैं। उम्मेद पैलेस संग्रहालय जोधपुर राजस्थान से हम आपको उम्मेद पैलेस संग्रहालय दिखा रहे हैं, जहाँ पे अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है, किंतु बाहर से तो महल का वीडियोग्राफी कर सकते हैं। यह आप देख रहे हो उम्मेद भवन का बाहर से चित्र, हमने अपने कैमरे के द्वारा लिया हुआ है, मोबाइल के द्वारा लिया हुआ है। कितना शानदार उम्मेद पैलेस दिखाई दे रहा है। अंदर फोटोग्राफी नॉट अलाउड है, इसलिए हम आपको यही बाहर से दिखा सकते हैं। उम्मेद पैलेस से बाहर निकलने के बाद ही आप ये देख रहे हैं जोधपुर का रिहायशी इलाका, जोधपुर का रिहायशी इलाका जो कि उम्मेद पैलेस से ही लगा हुआ है, रास्ते में पड़ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कितनी हरियाली है राजस्थान के मरुस्, और ये कोई फ्लाइट जा रही है जोधपुर से, फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है। हमने भी अपने कैमरे में कैद कर लिया, फ्लाइट का नज़ारा। तो आप हवाई यात्रा हवाई मार्ग के द्वारा भी जोधपुर पहुँच सकते हैं। यह आप देख रहे हैं सामने मेहराबगढ़ फोर्ट, मेहराबगढ़ का किला दिखाई दे रहा है। अच्छा यही है ब्लू सिटी, अच्छा आगे दिख रहे हैं। जोधपुर कहा जाता है। हमारे साथ जोधपुर का आनंद उठाइए और जूम करके देखना पड़ता, साथ में जोधपुर की सैर कीजिए। यहाँ से देखिए उम्मेद पैलेस किला में पानी कैसे दिखाई दे रहा है। ठंड से गर्मी से बचाने के लिए बना रखे थे रंग ऐसा कलर। ये देख रहे हैं आप उम्मेद भवन, हाँ उम्मेद सॉरी
मेहराब गार्डन और मेहराब गढ़ किला। आजकल कहाँ आप, आजकल कहाँ ये पहुँचे? ये हम जसवंत थाड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप स्टैचू लगा हुआ है, पहाड़ियों से होती हुई है जसवंत थाड़ा। अगला ही वीडियो आप देखोगे जो जसवंत थाड़ा जो कि जोधपुर के सफ़ेद संगमर पर नक्काशी कर बनाया समाधि स्मारक। यह साल 1899 में महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनाया गया है। जसवंत थाड़ा जयपुर से इससे बड़ा किले है आमेर किला। आप अगले वीडियो में देखेंगे जसवंत थाड़ा।